सम्मानित हमारे नागालैंड के शिक्षा मंत्री जी और मंच पे विराजमान सभी हमारे शिक्षाविद, मुझे लगता है कि नेता लोग ही ज़्यादा भाषण देते हैं, लेकिन आज तो सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं। और मैं गोपी भाई का धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, पिछली बार भी बुलाया था, लेकिन पिछली बार मैं कुछ कारणवश नहीं आ पाया। और मैं डीएल परिवार के जितने सारे लोग हैं उनको भी अपनी ओर से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। मैं दो तीन बातें यहाँ पे कहने वाला हूँ। वैसे तो बहुत चीज़ें बोली जा सकती हैं, लेकिन उत्तराखंड में हमारे 31 विश्वविद्यालय हैं और 500 हमारे पास डिग्री कॉलेज हैं। हम पे IIT है, NIT है, FRI है, IAS Academy है, जितने देश में बड़े संस्थान हैं मुझे लगता है कि 50% हमारे उत्तराखंड में हैं। और स्कूली शिक्षा में भी उत्तराखंड जो है देश का बहुत अच्छे राज्य में से एक राज्य है। लगभग 3 लाख छात्र छात्राएं हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में हैं और 12 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं हमारे माध्यमिक शिक्षा में हैं। हम पहली बार अभी सितंबर और अक्टूबर माह में पूरे देश का एक ज्ञान कुंभ जो है उत्तराखंड में करा रहे हैं। उसमें देश के 832 कुलपतियों को मैं बुला रहा हूँ, वहाँ देश के सारे शिक्षा मंत्रियों को बुला रहा हूँ, सारे सचिवों को बुला रहा हूँ, देश के जितने NIT के डायरेक्टर हैं उनको बुला रहा हूँ, IIT के डायरेक्टर को बुला रहा हूँ, उच्च शिक्षा से जितने लोग जुड़े हैं, UGC से जुड़े हैं, सबको बुला रहा हूँ। और 3 दिन का क्वालिटी एजुकेशन पे हम एक ज्ञान कुंभ करा रहे हैं। उसमें देश के राष्ट्रपति जी आ रहे हैं और जितने देश में पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, जिस शिक्षा के क्षेत्र में जितने लोग हैं उन सबको मैं वहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ और आप लोग भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। सबको विधिवत कार्ड कुल भेज दूंगा मैं कि कैसे आने हैं, कहाँ आना है। और मुझे लगता है कि देश में पहला अभिनव प्रयोग है जिसमें कि अभी माननीय जावड़ेकर जी से मैं मिला था, वो भी उस कार्यक्रम में आने वाले हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी भी उसके कार्यक्रम में आने वाले हैं। और 29 देश के जो हमारे राज्यों के शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी मुझसे कहा कि भाई हम भी आएंगे। अभी अभी नागालैंड के शिक्षा मंत्री से मैंने मंच में कहा कि आप भी आइए। तो पहला उच्च शिक्षा पे एक बहुत बड़ा समागम हम करने जा रहे हैं। दूसरा, मैं 2-3 मिनट अपने उत्तराखंड के बारे में कहने वाला हूँ कि बड़ी भारी दिक्कतें जो राज्यों की हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ तो बहुत समस्याएं कम हैं, लेकिन राज्यों में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो फैकल्टी की है। दूसरी समस्या है कि अगर फैकल्टी है तो शिक्षा का बजट राज्यों में बहुत कम है। तीसरी समस्या है कि अगर सब कुछ है हम पे तो छात्र पढ़ने के लिए कॉलेज में आ नहीं रहा है। पता नहीं और राज्य में क्या दिक्कतें हैं, लेकिन मैं अभी तक देश के 15 राज्यों का भ्रमण करके आ रखा हूँ और जो नेक से ए ग्रेड हमारे विश्वविद्यालय हैं या डिग्री कॉलेज हैं, मैं अभी तक 27 विश्वविद्यालय में चला गया हूँ जो ए ग्रेड के विश्वविद्यालय हैं। तो मैं वहाँ के कुलपतियों से, विभागाध्यक्षों से पूछता हूँ कि भाई यहाँ ये बताइए कि जो छात्र पढ़ रहे हैं आपके कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में, वो कितना परसेंट आ रहे हैं। तो मोटा मोटा औसतन जो मुझे लग रहा है, एक तो 60 से 70% देश में लड़कियाँ जो है उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और मेरे राज्य में तो 72% छात्राएं जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जो 180 दिन UGC कहती है कि पढ़ाई होनी चाहिए, मैंने अपने राज्य में पिछली बार जब मैं मंत्री बना तो मैंने सारे कुलपतियों की एक बैठक की और मैंने कहा भाई कि बताए, सच बताओ, झूठ मत बताइए कि छात्र कितने दिन कॉलेज में आ रहे हैं। आपको ताजुब होगा, 47% जो है कॉलेजों में उपस्थिति है छात्रों के।
इस बार जब हमने बहुत कड़ाई की, अब 68% इस बार हमने कॉलेजों में उपस्थिति करवाई है। वो इसलिए करवाई कि मैंने 2700 गार्जियंस को पत्र लिखा कि भाई आपका लड़का और लड़की कॉलेज में क्यों नहीं आ रही है। तो फिर माँ बाप भी अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई जब शिक्षा मंत्री खुद पत्र भेज रहा है तो आप कॉलेजों में जाइए। तो एक बड़ी दिक्कत ये राज्यों में है। दूसरा मेरा कहना आप लोगों से कि हमने अपने राज्य में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक तो ऑनलाइन एडमिशन हम कराते हैं 100%। डिग्री को हमने आधार से जोड़ा अपने राज्य में, डिजिटल डिग्री दे रहे हैं हम लोग, और 93% फैकल्टी मेरे राज्य में है। पहला राज्य है देश का जहाँ की 93% फैकल्टी है। नहीं तो मैं गुजरात भी गया, मैं उत्तर प्रदेश भी गया, मैं मध्य प्रदेश भी गया, मैं अभी तेलंगाना भी गया था, मैं राजस्थान भी गया, किसी भी राज्य में 60-70% से ज़्यादा फैकल्टी नहीं है। तो संविदा में हैं, कोई जो है आउटसोर्सिंग वाले हैं, कोई 25,000 रुपये वाले ऐसे हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं। और मैं जब शिक्षा मंत्री बना और हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बने, तो हमने पहला निर्णय ये किया कि 100% फैकल्टी हमने लोक सेवा आयोग से अपने यहाँ भरने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ 100% जो है कॉलेजों में प्राचार्य हैं। जबकि जब हमने शिक्षा मंत्री में बना तब 52% कॉलेज में प्राचार्य थे। तो भैया जब फैकल्टी नहीं होगी, प्राचार्य नहीं होंगे, तो हम क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं कर सकते। हमने अपने राज्य में प्रत्येक डिग्री कॉलेज को 2-2 करोड़ रुपये दिए हैं, किसी को 3 करोड़ रुपये दिए हैं, किसी को 1 करोड़ रुपये दिया है, और 5 चीज़ों के लिए दिए हैं कि एक तो पुस्तकें पूरी होनी चाहिए, लैब पूरी होनी चाहिए, स्मार्ट क्लासें होनी चाहिए, ईयर लर्निंग होनी चाहिए। और यह हमने बहुत अच्छा प्रयास इस बार किया। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब हमारे यहाँ के छात्र जो है कॉलेजों में इसलिए आते हैं कि पहले टीचर नहीं थे, कहीं किताबें नहीं थी। मैंने पुस्तक दान अभियान चलाया राज्यपाल जी और हम लोगों ने, आपको ताजुब होगा 10 लाख किताबें लोगों ने हमको दी इकट्ठा करके, और हमारे किसी भी डिग्री कॉलेज में अब किताबों की समस्या नहीं है। दूसरी जो मुझे महत्वपूर्ण बात करनी है अभी आपको कि हमारे राज्य में इस समय 89% साक्षरता है, और हमने कहा कि हम 2019 मार्च तक अपने राज्य को 100% साक्षर बनाएंगे। तो हमने डिग्री कॉलेज को जो छात्र हैं, विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, उनको कहा कि आपको एक निरक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाना है। जो 3 लाख छात्र हमारे कॉलेजों में पढ़ते हैं उनको हमने एक एक व्यक्ति को साक्षर करने का जो है अभियान दिया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ एक साल में 100% साक्षरता हो जाएगी। तीसरा जो हमने निर्णय लिया कि हम लोग अपने यहाँ सुपर 30 चलाते हैं अपने राज्य की सरकार की ओर से। हम IIT के लिए 30 बच्चों को सिलेक्ट करके उनको कोचिंग कराते हैं और 80 लाख रुपए हम उन पर खर्चा करते हैं। 2 साल से हम चला रहे हैं, और इस साल भी और अगले साल जो चला गया साल, हमारे 30 के 30 बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए। देश का पहला राज्य उत्तराखंड जहाँ की 100% लोग IIT में सेलेक्ट हुए हैं। हम लोग सुपर 50 चलाते हैं, उसमें हम MBBS की, NIT की और प्रोफेशनल कोर्सों की वो जो है कोचिंग कराते हैं छात्रों से। इस बार हमारे 47 बच्चे हमारे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। हम लोग सेना में, क्योंकि हमारे यहाँ 23% लोग सेना में भर्ती होते हैं, तो हम लोग NDA की कोचिंग कराते हैं 150 बच्चों को। और आपको ताजुब होगा कि इस साल हमारे उत्तराखंड के 150 के 150 बच्चे NDA में सेलेक्ट हुए, और देश की रक्षा मंत्री आई उसमें सीतारमन जी। और हमने जब उनको बताया कि भाई हम ये करते हैं, और 50,000 रुपये हम उनको पारितोषित भी देते हैं जो लड़के सेलेक्ट होते हैं, और इतना ही नहीं जो करगिल में शहीद हुए थे, हमारे यहाँ के सर्वाधिक लोग करगिल में शहीद हुए। तो 7 जो है उनकी पत्नी ने कहा कि साहब हम भी NDA में जाना चाहते हैं,
वो हाई स्कूल थी, इंटरमीडिएट किया उनने, फिर ग्रेजुएशन किया और फिर हमने उनको एनडीए की कोचिंग कराई। तो सात की सात महिलाएं भी एनडीए में निकली जिनके हस्बैंड क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो हम लोग ये बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने राज्य में। अभी हम लोग 50 बच्चों को ISPCS की कोचिंग करा रहे हैं इस साल से। और ये जो मैं बोल रहा हूँ सुपर 30, सुपर 50, 150 बच्चों को एनडीए करा रहे हैं, ये हम लोग 10,000 बच्चों में से एक बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, उसका रिटर्न कराते हैं। ऐसा नहीं कि सिफारिश में मैं मंत्री हूँ, मैं एक बच्चे को सिफारिश पर एडमिशन नहीं दिला सकता हूँ। दूसरी प्राथमिकता हमने क्या की उसमें कि उसी बच्चे को पढ़ाते हैं जिसका जो है 3 लाख रुपए से कम उसकी वार्षिक आय होनी चाहिए। सेठ का बच्चा तो कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन ये गरीब बच्चों के लिए, जो गरीब और मेधावी बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हम ये कार्यक्रम देते हैं। हम लोगों ने अपने राज्य में ड्रेस कोड लागू किया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हमारे यहाँ छात्र संघ के चुनाव होते हैं, कई राज्यों में तो होते नहीं हैं। 2 महीने छात्र संघ के चुनाव में हमारे बर्बाद हो जाते थे, अब हम एक ही दिन में चुनाव कराते हैं। एक दिन नामांकन कराते हैं और एक हफ्ते में चुनाव कराते हैं, और हर पूरे डिग्री कॉलेज में कराते हैं। और जो लड़के टॉपर्स हैं, जो खेल में बहुत अच्छे लड़के हैं, जो NSS NCC में बहुत अच्छा काम करते हैं, जो रक्तदान में भाग लेते हैं, जो स्वच्छता में भाग लेते हैं, ऐसे 5 बच्चों को वो चुनाव लड़के आए या ना आए, ऐसे बच्चों को भी हम छात्र संघों में क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व देते हैं, सीधे गवर्नमेंट की तरफ से उनको नामित करते हैं। तो हम लोगों ने अपने प्रदेश में उच्च शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन किए हैं। और अभी जो हम लोग ज्ञान कुंभ कराने जा रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप लोग आ सकें तो हम हरिद्वार में करा रहे हैं, और हरिद्वार में भी पतंजलि में करा रहे हैं। पतंजलि में क्या है कि कमरे बहुत हैं हम पे, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे नागालैंड के कि भाई मैं जरूर आऊँगा। मैंने कहा आपका थोड़ा मोटापे भी कम कर लेंगे वहाँ, तो इसलिए मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ वहाँ। और आपका धन्यवाद सबका कि आप लोगों ने हमको मौका दिया बोलने के लिए। तो बहुत बातें हैं, लेकिन हम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि अगर राज्य सरकारों पे थोड़ा भी अगर इच्छा शक्ति हो तो शिक्षा में बहुत कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। और अगर राज्य सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं होती है तो फिर ढांचा वहीं का वहीं रहता है। तो इसलिए हूँ, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार हो, इस बार हम लोग जब से जावड़ेकर जी हमारे शिक्षा मंत्री बने हैं तो हमने एक तय कर दिया कि दीक्षांत समारोह हम हर साल करेंगे विश्वविद्यालयों में। और उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने दीक्षांत समारोह की ड्रेस बनाई है, अपनी लोकल ड्रेस बनाई है। और जावड़ेकर जी ने पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखा कि जो उत्तराखंड ने बहुत अच्छा प्रयास किया है दीक्षांत समारोह की ड्रेस चेंज करने का, उसको आप अपने राज्यों में भी लागू करो। तो हमने काफ़ी चीज़ें की हैं, और मुझे लगता है कि अब हमारे कॉलेजों में एक तो समय पे पढ़ाई हो जाती है, समय पे रिजल्ट आ जाते हैं, समय पे परीक्षाएं हो जाती हैं, नहीं तो कई बार 6-6 महीने तक रिजल्ट ही नहीं आ पाते हैं विश्वविद्यालयों में, तो छात्र क्या करेगा बेचारा। तो हम लोग अब प्रशासनिक एकेडमी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो हमारे कार्य परिषदों में लोग चुन के जाते हैं। विश्वविद्यालय एकेडमी काउंसिल जो होती है हमारी, मैंने देखा वहाँ राजनीतिक दबाव के कारण बहुत लोग चुने जाते हैं। अब हमने अपने यहाँ ये किया है कि भाई जो लोग शिक्षाविद हैं वही विश्वविद्यालय की एकेडमी काउंसिल में भाग ले सकते हैं। तो कुछ चेंजेज अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि शिक्षा का एक बहुत अच्छा वो हो सकता है। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं लगता हूँ कि अगली बार मैं आप लोगों को बुलाऊँगा वहाँ, और कुछ जो हमने चेंजेस किए हैं, मैंने UGC से कहा, UGC ने भी कहा है कि भाई 100 डिग्री कॉलेज में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। मैं अभी राजस्थान में गया था तो मैंने पूछा कि आपके विश्वविद्यालय से कितने कॉलेज एफिलिएशन, उन्होंने कहा साहब 750 डिग्री कॉलेजों को चलाते हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है
जो कि 100 डिग्री कॉलेज पे एक विश्वविद्यालय बना रहा है। एक विश्वविद्यालय के अंडर में 100 डिग्री कॉलेज से ज़्यादा हम नहीं रखने वाले हैं, ताकि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे सकें, हम समय पर हम सारी चीज़ें कर सकें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। भारत माता की।